मेरे किसी असत कार्य की वजह से मुझे नरक जाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने जीवन भर अपने पुण्य ठाकुर जी को प्रदान किए, तो उन पुण्यों के प्रभाव से मेरे असत कार्य समाप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, वैष्णव सम्मेलन करो, चुपचाप जल लेकर के, और जल नहीं है तो अंतःकरण से हृदय से प्रणाम करके, हे ठाकुर जी मैंने गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन किया, द्वारिका गया, ब्राह्मणों की सेवा की, गरीबों को दान किया, इसका जो भी पुण्य है मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अरे संसार में ईश्वर भोगने से क्या, मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति हो ये ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए भगवत अर्पित करो पहला भाव। दूसरा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कर सको तो कर लेना। भगवान कहते हैं जिसको भी देखो अपने आंखों के आगे, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा मित्र हो, सखा हो, पत्नी हो, पति हो, बेटे हो, बच्चे हो, सबके प्रति मेरा भाव विद्यमान है, सबको एक बारी सही थोड़ा सा झुक के प्रणाम कर लिया करो। इससे होगा क्या, बोले सबको प्रणाम करोगे तो एक दिन तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करने मैं स्वयं खुद आ जाऊंगा। आयो लाल सवई चो झूले लाल, आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बताते हुए अत्यंत आनंद का, हर्ष का अनुभव हो रहा है। श्री वसंत शाह दरबार उल्लास नगर में गत वर्ष अपने भागवत की सेवा करने के लिए मैं आया था। इस वर्ष पुनः साईं ने आमंत्रण भेजा है और 26 मई से लेकर के 1 जून तक उल्लास नगर में वसंत शाह दरबार में फिर से भागवत की सेवा के लिए मैं आ रहा हूँ। आप सब लोगों से प्रार्थना, सब लोग बड़े भाव से पधारिए और साईं के उत्सव का आनंद लीजिए। हम लोग भी खूब भाव से गाएंगे।